लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कोई बेवकूफ इंस्पेक्टर था, इन्फॉर्मेशन मिलते ही हवेली जाने के बजाय मेरे साथ टाइम पास कर रहा था। टाइम पास नहीं, फोन ट्रेस कर रहे होंगे, जल्दी चलो वरना आ जाएंगे। रिलैक्स, मैं बचपन से हिंदी फिल्में देखकर बड़ा हूँ, आज तक पुलिस कभी टाइम पर नहीं आई। पुलिस, अरे बाप रे, सॉरी, वो गोवा पुलिस किसी फिल्म में देखी नहीं ना इसलिए। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, जो पहली बस मिलती है उससे निकल चलते हैं, चलो। ओह नो, क्या हुआ? मेरा बैग हवेली में रह गया। अरे भूल जाओ उसे, चलो। अरे कैसे भूल जाओ उसे, उस बैग में मेरा पासपोर्ट है। गोली मारो पासपोर्ट को, कॉल करके तुम्हें फॉरेन कंट्री में जाना है, चलो। अरे पासपोर्ट में मेरा नाम पता टेलीफोन नंबर सब है, अगर पुलिस को मिल गया तो समझेगी मर्डर मैंने किया है। चलो हम जाकर ले आते हैं। हम कौन भाई? देखो तुम्हारी मेरी पार्टनरशिप यहीं खत्म, आज से तुम तुम्हारे रास्ते, मैं अपने रास्ते, प्लीज। देखो ऐसा मत करो, अगर पुलिस मेरे घर पर पहुंच गई तो मेरे पापा को अटैक आ जाएगा। मेरे पापा को दो आ चुके, ये जो तीसरा आएगा ये फुल एंड फाइनल होगा, और वैसे भी वहां पुलिस पहुंच चुकी होगी, मैं नहीं आ सकता। ठीक है, मैं अकेली चली जाऊंगी। रुको प्रिया, जाते जाते बस भाड़ा तो देती जाओ। बर्बाद हो गया, रास्ते पे आ गया। अरे मुंबई वापस जाने के भी पैसे नहीं है रे, होटल कैसे जाऊं, बीवी को क्या वो दिखाऊं। इसके अंदर बाबा ने तो मुझे जहर खाने तक के पैसे नहीं छोड़े। साला गोटी देख के बेवकूफ बनाता है, फ्रॉड कुत्ता कमीना। मेरे लिए एक खून माफ हो ना तो सबसे पहले मैं गैम्बलर बाबा को उड़ा दूंगा, साला कमीने। बैग, वजन नहीं, माल से भरा हुआ है, गोटी निकालता हूँ। बाबा, बाबा मुझे माफ कर देना बाबा, मैंने तुझे आना शाना बोल दिया था। बाबा तो 1000 साल जी है और ऐसे सूटकेस बरसाते रहे, लगता कोई नहीं। बाबा चल, बाबा बाबा की जय हो, जय हो बाबा की, जय हो जय हो। हाय पार्टनर। तुम? अब एक्चुअली तुमसे अलग होने के बाद मैं हनुमान जी के टेंपल गया था, वहाँ मैंने उनसे पूछा कि मुझे प्रिया की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसी वक्त मेरे सर पर एक फूल गिर गया, बस मैं उनका इशारा समझ गया और सीधा तुम्हारे पास चला आया। थैंक्स, तुमने इतनी रात गई गोवा में हनुमान का मंदिर ढूंढ लिया। अब एक्टर हूँ भाई, थैंक गॉड पुलिस नहीं आई। तो चले? नहीं, तुम अंदर मत आओ, मैं जाता हूँ। लेकिन अगर पुलिस आ गई तो मेरी फिक्र मत करना, तुम यहाँ से चली जाना और कभी किसी से मत कहना कि हम लोग मिले थे। और अगर मैं बाहर आ गया तो हम दोनों साथ में कैंडल लाइट डिनर पर जाएंगे, लेकिन हाँ बिल का पैसा तुम दोगे। क्योंकि लड़कियां पैसे दे ये तुम्हें पसंद नहीं। करेक्ट, वैसे फिक्र मत करो, हम लोग मुंबई साथ में जाएंगे, बस मैं यूं गया और यूं आया। Hey, गोली मत चलाना, मैंने कुछ नहीं किया, मैं खूनी नहीं हूं।
कुछ किया नहीं और फिर भी पता है कि यहां पर खून हुआ है। अब पुलिस आई है तो खून तो हुआ ही होगा ना सर। इट्स अ गुड गेस। अब ये भी गेस करो कि इतनी रात गए तुम यहां क्या कर रहे हो। दरअसल सर मुझे नींद में चलने की बीमारी है। एक बार तो क्या हुआ था सर, चलते चलते बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गया था। वो तो भला हो हमारी गवर्नमेंट का कि उन्होंने बस सर्विस चला दी, नहीं तो वहीं सेटल हो जाता। आई थिंक इज राइट सर, मेरी वाइफ को भी नींद में चलने की आदत है, कई बार तो वो रात में चलते चलते पड़ोसी घर पहुंच जाती है। आई एम सॉरी सर। ये क्या है? तुम ब्रेसलेट पैरों में पहनते हो? वो एक्चुअली सर ये 2-in-1 ब्रेसलेट है। ब्रेसलेट कम एंकलेट ज्यादा है, तो रात को जब नींद में चले निकलता हूं ना तो पैरों में पहन लेता हूं। आर यू श्योर कि ये तुम्हारा है? मेरे पैर से निकला है तो मेरा ही होगा ना सर। इस पे इनिशियल्स क्या लिखे? मेरे ही होंगे सर, RM। श्योर? ऐसा होगा सर, बचपन में सब मुझे प्यार से सोनो सोनो कहकर पुकारते थे। ऐसा होगा। इस पर कोई इनिशियल्स नहीं है। याद आया सर, ये तो तब से मेरे पास है जब मेरा नाम ही नहीं रखा था। याद आ गया सर, भूल गया था। सर मैं सब सच कह रहा हूं, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। हाँ डेड बॉडी को जरूर देखा था, नींद में चलते हुए डेड बॉडी से टकरा गया था सर। एक्चुअली मेरा सेकंड राउंड है। बहुत राउंड मार लिए, अब बताओ डेड बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी ऊपर है, आप मेरे पीछे आइए। फॉलो मी। आइए सर मैं दिखाता हूँ सर, ये रही डेड बॉडी सर। अरे ये किधर? इंस्पेक्टर साहब डेड बॉडी कहाँ गई? पता नहीं। सच बताओ लाश कहाँ छुपाई है? लगता है सर वो दो पैर दो आंख वाला खूनी ले गया। बाबा बाबा बाबा, ये क्या उठा लाए केके? बाबा ने प्रसाद दिया है पगली। छप्पड़ फाड़ के दिया है बाबा ने, छप्पड़ फाड़ के। सच? अरे बैग खोल के देख ले पगली, पता चल जाएगा कितना कैश है और कितनी ज्वेलरी है, देख ले। क्यों फट गई ना आंखें? अरे अपने बाप के घर इतनी सारी दौलत कभी देखी थी तूने?